पटना में बुधवार को 15 साल की लड़की को गोली मार दी गई थी। घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ गया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक युवक छात्रा को पीछे से गोली मार रहा है। वारदात से पहले वो छात्रा का पीछा करता है। जैसे ही लड़की गली में जाने के लिए मुड़ती है, उसने झोले में रखी पिस्टल निकाली और गोली मार दी। इसके बाद वो वहां से भाग निकला। पटना के सिपारा इलाके में बुधवार की सुबह 15 साल की काजल कुमारी को गोली मार दी गई। पूरी वारदात वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सामने आए 33 सेकंड के फुटेज को देखने पर यह स्पष्ट हुआ है कि सुबह में 7:36 पर काजल को पीछे से गोली मारी गई है। झोले में लेकर आया था पिस्टल। काजल क्लास 9th की स्टूडेंट है। वो एक प्राइवेट कोचिंग से क्लास कर वापस अपने घर पैदल जा रही थी। उसने कंधे पर एक बैग टांग रखा था। कोचिंग से करीब 200 मीटर की दूरी पर मेन रोड से जब वो गली की तरफ मुड़ी, कॉर्नर पर उससे पहले एक युवक दिखा। लड़के ने सर पर टोपी पहन रखा था और चेहरे पर मास्क लगा रखा था। जींस और शर्ट पहने लड़के के हाथ में एक झोला भी था। वो गली की ओर बढ़ती हुई काजल को देखता रहा। जैसे ही काजल उससे आगे बढ़ी, वैसे ही उसने अपने झोले से लोडेड पिस्टल निकाली, पीछे से कुछ कदम चलकर सीधे काजल के सर पर फायर कर दिया। गोली लगते ही लड़की उसी जगह पर गिर गई, जबकि गोली मारने वाला पैदल ही रोड पार कर जक्कनपुर के जयप्रकाश नगर की तरफ भाग गया। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।